हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, कुल पद जो है 7692 पदों पर है। ऑल पोस्ट का वैकेंसी आ चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सभी ये जान लेते हैं कि आप इस एग्जाम का तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी आपको कैसे करना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, इसका न्यू सिलेबस क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को बहुत डाउट है, सबसे अधिक सिलेबस में। सिलेबस में क्या डाउट है कि सिलेबस प्रॉपर जो कि फ्रेंड पीटी का सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो होगा आपका वो 3 स्टेज में होगा। पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा, जो कि 10 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है, तो वो डिटेल सिलेबस में आपको बता देंगे, जो कि ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। पर पीटी का सिलेबस ऑफिशियल प्रोवाइड नहीं किया गया है, पर ये डायरेक्ट बता दिया गया कि पीटी आपका लिया जाएगा। अगर फॉर्म लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भराया जाता है, यानी कि 2 से 3 लाख से अधिक फॉर्म भराया जाएगा, तो निश्चित है कि बच्चे को छापने के लिए पीटी लेगा ही लेगा। ये चीज गौर कर लीजिएगा आप सभी। तो साफ सुथरा बता दिया गया कि पीटी एग्जाम आपका होने वाला है, तो ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो ये सभी पॉइंट पे हम सभी बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से सारा चीज आपका क्लियर कर देंगे। बस वीडियो को ध्यान पूर्वक आप सभी सारा चीज को देखते रहिएगा, सारा चीज को डिटेल में हम सभी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जल्द पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करने के घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सभी इसका एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, ये पीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम सभी, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपको मेंस का और इंटरव्यू का बता देंगे। तो सबसे पहले पीटी देख लीजिए, ये 2016 के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, जो 2016 में एग्जाम हुआ था, पहले पीटी हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, 2016 के अकॉर्डिंग, तो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 अंक आपको दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 100 अंक का था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो इस बार भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा अवधि पिछले बार 2 घंटे का दिया गया था, तो निश्चित है कि 2 घंटे का ही आपका पेपर होने वाला है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। ये चीज गौर कर लीजिएगा, पीटी आपका निश्चित होगा, क्योंकि आपकी बार जो फॉर्म भराएगा लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भराने वाला है, 10 से 12 लाख फॉर्म भराने वाला है, तो बच्चे को छांटने के लिए पीटी लेगा ही लेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आपको पीटी का तैयारी करना ही होगा, और पीटी का सभी का सिलेबस सेम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चाहे वो आपका कलर का पोस्ट हो, या आपका प्यून का पोस्ट हो, या स्टेनोग्राफर का पोस्ट हो, ये सभी का पीटी का सिलेबस सेम ही है। पेपर टाइप देखिएगा, तो ये पेपर टाइप आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन वाला, ध्यान रखिएगा। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा। ये डाउट क्लियर हो गया आपका, तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा। ये प्रॉपर पीटी का सिलेबस है, ये 2016 के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, 2016 के अकॉर्डिंग बताए हैं, और डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, तो वो आपको बता देंगे अभी, सिर्फ देखते रहिए सारा चीज को। अब देखिए, इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। तो देखिए, फॉर्म को भरने के लिए अगर आप सभी ग्रुप डी यानी कि प्यून के पोस्ट पर फॉर्म भरते हैं, तो इसके लिए 10th पास रखा गया है, ठीक है। 10th पास मिनिमम एज जो है कि फ्रेंड वो 18 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखिएगा, अभी बता देंगे कि हाँ हाइएस्ट कितना है। और अगर आप क्लर्क और स्टेनोग्राफर सबका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन पास रखा गया है, हालांकि स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग लिया जाएगा आप सभी, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वो अभी आपको डिटेल उसका नोटिफिकेशन में बता देंगे आप सभी को। तो ये ग्रेजुएशन ही है, 10th और ग्रेजुएशन के लिए है। तो अगर आप सभी 10th या ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, क्लर्क के लिए 21 वर्ष न्यूनतम रखा गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। 18 वर्ष किसके लिए है, तो सिर्फ ये प्यून के लिए है, जो 10th पास है वो 18 वर्ष रखा गया है। बाकी बात स्टेनोग्राफर, आपका क्लर्क, ये सभी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम है 37 वर्ष, और इसमें भी अधिकतम 37 वर्ष ही रखा गया है। ये जनरल के लिए है, ये ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर अदर स्टेट से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते ये है कि एग्जाम देने के लिए आपको बिहार आना होगा, और बिहार में ही आपको जॉब मिलने वाला है। ये चीज क्लियर है आपका। अब देखिए, प्रारंभिक सिलेबस की बात कर लिया जाए, पीटी सिलेबस का, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपको पीटी सिलेबस बता रहे हैं, जो कि 2016 में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखिएगा, तो सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। देखिएगा, पिछले बार का अगर पेपर
को देखिएगा, तो उसमें साइंस प्लस जीके का क्वेश्चन था, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा ही पूछा जाएगा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये जीके और जीएस का पोर्शन हो गया, ठीक है, जीके जीएस यानी कि साइंस और जीके का पोर्शन हो गया। तो समान अध्ययन से 25, गणित से 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 25 और हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा समान अध्ययन में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस में करेंट अफेयर और विविध से क्वेश्चन रहने वाला है, तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। ये क्लियर है, तो ये पीटी का सिलेबस था, मेंस का सिलेबस ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है, वहीं आपको दिखा देंगे, पहले ये चीज पे गौर कर लीजिए। अगर ये क्लियर रहेगा तो फिर टेंशन नहीं होगा आपको। उसके बाद ये नोटिस देख लीजिए जो कि ऑफिशियल नोटिस था, हालांकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिस जारी किया गया है, तो ये पूरा मेंशन नोटिस है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्लर्क के लिए 3325 पदों पर वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पदों पर है, कोर्ट रीडर स गवाही लेखक के लिए 1132 पे है, और चपरासी यानी कि अर्दली, चपरासी अर्दली के लिए 1673 पदों पर वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका फॉर्म जो है कि 20/9/2022 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 20/10/2022 तक आप मध्यरात्रि तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल यहां पर वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, आप सभी इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। देखिए क्लर्क के लिए न्यूनतम आयु जो रखा गया है यानी कि एज 21 वर्ष है, और अधिकतम कितना रखा गया है तो 37 वर्ष रखा गया है। इसमें भी सेम कंडीशन है और इसमें भी सेम कंडीशन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बट चपरासी में न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम कितना है, तो अधिकतम आपका 37 वर्ष रखा गया। ये जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप सभी BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल और 3 साल जोड़ लीजिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि अगर BC1 BC2 से हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए इसमें, और STSC है तो 5 साल जोड़ लीजिए। तो 37 + 5 कितना हो जाएंगे, 42 साल STSC के लिए, और BC1 BC2 के लिए 40 साल हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये एज लिमिट हो गया आपका। तो ये सभी पोस्ट का अलग अलग नोटिस जारी किया गया है, वो भी आपको अभी दिखा देंगे हम। अब देखिए बात कर लेते हैं कि प्रॉपर आप सभी इस एग्जाम का तैयारी कैसे कीजिएगा, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि तैयारी करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर 10 से 12 लाख फॉर्म भराया जाएगा तो निश्चित है कि आपको तैयारी उस हिसाब से करना पड़ेगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सके, आपको वो सीट मिल सके। तो उस हिसाब से रणनीति बना के आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाइएगा फ्रेंड। तो देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए स्पेशल बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2022 के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी को बताऊंगे पीटी का सभी का सेम सिलेबस है, तो पीटी के लिए ये लॉन्च किया गया है, जहां पे आपको जीके जीएस मैथ्स हिंदी और इंग्लिश का क्लासेस दिया जाएगा। तो अगर आप सभी परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं तो निश्चित क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा। बिल्कुल यहाँ थ्योरी क्लास आपको दिया जा रहा है, तो थ्योरी सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा, टू द पॉइंट थ्योरी क्लियर कर लीजिए फ्रेंड आप सभी, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपर बना पाइएगा। तो जहां आपको संपूर्ण तैयारी के साथ में टॉपिक वाइज क्लास जो कि बिल्कुल थ्योरी प्लस MCQ क्लास मिलने वाले हैं, थ्योरी क्लास देंगे उसके बाद MCQ क्लास देंगे, तो वो सारा डाउट आपका क्लियर होते चल जाएगा। तो टॉपिक वाइज क्लास प्लस में नोट्स आपको दिया गया है, हैंडराइटिंग, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, हर सब्जेक्ट का ईबुक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कोर्स लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम क्या है, युवा शक्ति जीके क्विज, प्ले स्टोर पे जाके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम मेंशन करके आप सभी कोर्स में शामिल हो सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ आपको कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, अन्यथा नीचे स्टोर का सेक्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप सभी ऑल कोर्स पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आगे प्रोसेस मांगेगा वो प्रोसेस आप सभी करते चले जाइएगा, उसके बाद कोर्स में शामिल हो सकते हैं, मिनिमम फी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा फ्रेंड। ऑल सब्जेक्ट के क्लास के साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा इसमें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जाँच पाएं कि तैयारी का ग्रोथ क्या हुआ है आपका। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पीटी सिर्फ पास मार्क रखा गया है, तो पीटी में तो पहले आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि जो वैकेंसी दिया हुआ है उसका कुल 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लगभग 10 गुना बुलाया जाएगा, तो लगभग समझ लीजिए कि
70,000 के समथिंग, 70-75,000 के समथिंग बच्चे को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि 10 से 12 लाख अगर फॉर्म भराता है तो मात्र में इसमें कितना बच्चे चुनाए जाएंगे, 70 से 75 हज़ार, समझ लीजिए। बाकी बात जो बचे वो खत्म। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो जाइए बिल्कुल रणनीति के साथ में, थ्योरी क्लास आपको दिया जा रहा है, परफेक्ट तरीके से तैयारी कीजिए ऑल सब्जेक्ट का आप सभी। वीडियो भी बना है, वीडियो को देख लीजिएगा, कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। तो आप भी जाके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। तो जाइए आपसे फटाफट ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देख लीजिए अब जिसको बुक पढ़ना है वो कौन सी बुक पढ़ेंगे। तो देखिए बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर समान अध्ययन यानी जीके जीएस की बात किया जाए तो लूसेंट को आप प्रॉपर कवर कर सकते हैं, ठीक है। समान अध्ययन के लिए यानी कि जीके जीएस के लिए लूसेंट को कवर कर सकते हैं थ्योरी वाला। और उसके बाद स्पीडी को पढ़ सकते हैं, रेलवे स्पीडी को, ध्यान रखिएगा आप सभी, रेलवे स्पीडी को पढ़ सकते हैं। इमेज को देख लीजिए बगल में शो कर रहा है। उसके बाद हिंदी के लिए आप सभी लूसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इंग्लिश के लिए भी आप लूसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, ये पीटी मेंस दोनों में आपका काम आ जाएगा। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है, मेंस और पीटी दोनों में काम आ जाएगा। तो जो बुक पढ़ना चाहते हैं बुक ले सकते हैं मार्केट से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर बुक है जो कि आपको बुक बता दिए, दोनों के लिए काम आ जाएगा, पीटी और मेंस दोनों में काम आ जाएगा ये। अब देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है, जो टॉपिक ज़्यादातर रिपीट होता है, समान अध्ययन यानी कि जीके जीएस का क्लास रहेगा, करेंट अफेयर का क्लास भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी का क्लास निश्चित है कि यहां से दिया जाएगा, इंग्लिश का कह नहीं सकते हैं, कोशिश रहेगा इंग्लिश का क्लास दिया जाए, मैथ का क्लास बाय ऑल्स पे कवर करवाया जाएगा अमित सर के द्वारा, कोशिश रहेगा युवा शक्ति जीके क्विज पे भी दिया जाए। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि क्लास आप सभी कर सकें, क्योंकि यही सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, जितना सफर सकता है सारा चीज़ आपको देंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, तो जाके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, अन्यथा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सभी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ होगा, इम्पोर्टेंट नोटिस होगा, वो सारा वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता देते हैं। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया, ये पीटी के लिए आपको सारा चीज़ हम आपको बता दी। तो ये देखिए अगर आप सभी का पीटी होता है तो इसमें कितने क्वेश्चन सही करने के बाद आपका रिजल्ट होने की संभावना है फ्रेंड। तो अगर आप सभी लगभग पिछले के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 65 से 70 क्वेश्चन जो भी बच्चा बनाया था तो उसका रिजल्ट हो गया था पीटी में, तो वही अप्रोक्स 70 का अगर लेके चलिएगा, क्योंकि कंपटीशन तो इतना अभी लगभग 2016 के बाद इतना साल हो चुके हैं, तो निश्चित है कि कटअप अधिक जाएगा। तो लगभग 70-72 का वेटेज लेके चलिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता देते हैं। तो ये देख लीजिए कलर का ये डिटेल नोटिफिकेशन है, 125 पदों पर ये वैकेंसी है, गौर कर लीजिएगा, ये कलर का डिटेल नोटिफिकेशन है। सैलरी देखिएगा तो 25,500 से 81,100 रखा गया है, हालांकि इसमें अगर महंगाई भत्ता जुटेगा तो लगभग ये 40,000 हो जाएगा, 39 से 40,000 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लेवल 4 के अंतर्गत इसमें सैलरी दिया जाता है, लेवल 4 का जॉब है ये। उसके बाद आगे देखिएगा तो एप्लीकेशन जो है कि भरना जो शुरू होगा 20/9/2022 से, जैसे कि अभी बता दिए लास्ट डेट जो है कि 20/10/2022, तो पहले ही आप सभी फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है बैचलर डिग्री, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ग्रेजुएशन पास रखा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आप सभी एज से संबंधित दिया हुआ है, हालांकि अभी आपको एज बता दिए सारा चीज के बारे में हम, तो ये देख लीजिएगा सभी के लिए सेम ही है, बस प्यून के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म जो कि भरने के लिए जो रखा गया है जनरल बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है और एसटीएससी के लिए 400 रखा गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि पीटी टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जाएगा, पर यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 2 से 3 लाख से बेसी फॉर्म भराया जाता है तो आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप सभी निश्चित हो जाइए, क्योंकि अगले बार ही 5 लाख, लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म भराया था, तो आपकी बार निश्चित है कि 10 से 12 लाख फॉर्म भराएगा ही भराएगा। उसके बाद देखिए पीटी के बाद आपका जो होगा वो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जो कि 90 अंक का होगा, 90 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 10
अंका जो है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। सिलेबस यहाँ देख लीजिएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 अंक पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश ग्रामर से 20 अंक रहने वाला है। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से 15 अंक, उसके बाद मैथमेटिकल से 10 अंक और टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल रीजनिंग से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो है कि 90 अंक का रहने वाला है और 10 अंक का इंटरव्यू होगा। तो ये हो गया किसके लिए, क्लर्क के लिए हो गया। और सेम प्रोसेस अगर देखिएगा स्टेनोग्राफर के लिए, तो वो भी आपको दिखाई देते हैं। ये देख लीजिए, ये स्टेनोग्राफर का है जो कि 1562 पदों पर ये वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। स्टेनोग्राफर का है, इसमें सैलरी 25,500 से 81,100 रखा गया है। महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद अधिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फॉर्म भरने के लिए वही डेट रखा गया है इसमें। डिग्री देखिएगा, तो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। साथ में आपको यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया है कि सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर का इसमें चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात इसके सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी बात सब वही प्रोसेस है जो आपको क्लर्क में बताए हैं। फी भी उतने ही लिया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए 800 और 400 रखा गया है। सिलेबस सिर्फ आपको बता देते हैं, सेम टू सेम वही है। यहाँ देख लीजिए रिटर्न टेस्ट का सिलेबस देखिएगा, तो यहाँ पे आप सभी का रिटर्न टेस्ट वही 90 अंक का होगा और 10 अंक का इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए आपका इंग्लिश ग्रामर से 25 अंक का रहेगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से जो है कि 25 अंक का रहने वाला है, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से 10 अंक का, उसके बाद मैथमेटिकल से 10 अंक का, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से इसमें 20 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। कुल 90 अंक का, 10 अंक का इंटरव्यू, यानी कि कुल 100 अंक का होने वाला है आपका एग्जाम। तो ये इसका सिलेबस हो गया, ये मेन सिलेबस का ध्यान रखिएगा, और उसके बाद 10 अंक का इंटरव्यू रखा गया। तो ये स्टेनोग्राफर का होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। पीटी में सेम सिलेबस है, पीटी के लिए टेंशन नहीं लेना है, पीटी भर तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पीटी में। मेंस में जाने के बाद फिर आपको अलग अलग तैयारी करना होगा, और एक से अधिक भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अलग अलग सब फॉर्म आया हुआ है। तो अगर आप सभी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो अगर आप स्टेनोग्राफर का भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, कलर का भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, चपरासी का भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, सब फॉर्म को आप भर सकते हैं। बरसात है कि अलग अलग आपको पेमेंट कटाना होगा। उसके बाद ये देख लीजिए प्यून का देख लीजिए आप सभी, यानी कि आदेशपाल का। चपरासी का देखिएगा, तो 1673 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप डी का बोल लीजिए 18,000 से सैलरी आपका शुरू होगा, लेवल वन से 56,900 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। महंगाई भत्ता जुटने के बाद लगभग 25,000 आपका सैलरी शुरुआती होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फॉर्म भरने का वही डेट रखा गया है, क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसका सिलेबस देखिएगा, एज देख लीजिए आप सभी 18 से 37 वर्ष जनरल के लिए, उसके बाद देख लीजिए फीमेल के लिए जो रखा गया 18 से 40 वर्ष रखा गया जनरल के लिए। वहीं पर देखिए BC1 BC2 के लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया, ST SC के लिए 18 से 42 वर्ष, यानी कि 3 साल और 5 साल का छूट दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए इसमें 600 और 300 लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 200 इसमें कम है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, पीटी एग्जाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसमें रिटर्न टेस्ट देख लीजिए, तो 85 अंक का होने वाला है, 30 मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है, और इंटरव्यू 15 का होगा, तो इसमें 6 अंक क्वालिफाइंग रखा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट का सिलेबस भी दे दिया है, हिंदी से 35 अंक का, इंग्लिश से 15 अंक का, और मैथमेटिकल से 35 अंक का। तो ये मेन्स का सिलेबस हो गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात 15 जो बच गया वो आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज में हो गया, तो आप सभी जाइए फटाफट तैयारी करना शुरू कर दीजिए पीटी एग्जाम का, क्योंकि जब तक ये क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो मेंस में फिर आइएगा ही नहीं। तो पहले इसको क्वालिफाई कर लीजिए, इसका तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए। और एक फॉर्म है वो भी बताते हैं आपको, तो ये देखिएगा कोर्ट रीडर का वैकेंसी है, 1132 पदों पर यह वैकेंसी है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन पास रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी। उसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, किसमें शॉर्ट हैंड लिया जाएगा आपका स्टेनोग्राफर में, इसलिए सर्टिफिकेट भी खोज रहा था वहाँ पे, या हिंदी इंग्लिश आपका आपको टाइपिंग आना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो टाइपिंग इसमें निश्चित है कि लिया ही लिया जाएगा। उसके बाद आगे बाकी बात वही प्रोसेस रखा गया है, एज का वही प्रोसेस है,
और एज का गणना जो किया जाएगा सभी में, देख लीजिए 1/9/2022 से किया जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या है, फॉर्म भरने के लिए सेम टू सेम फिर रखा गया है। अब यहाँ देख लीजिए आप सभी, मेंस एग्जाम जो है वो पीटी एग्जाम सेम टू सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। रिटर्न एग्जाम यानी कि मेंस एग्जाम जो है वो 90 अंक का है और 10 अंक का इंटरव्यू है। सिलेबस देख लीजिए क्या दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट का, तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 अंक का, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से 20 अंक का, उसके बाद देख लीजिए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से 15 अंक का, उसके बाद देखिए मैथमेटिकल से 10 अंक और रीजनिंग वर्बल रीजनिंग से 10 अंक हो जाएगा, उसके बाद देखिए बेसिक कंप्यूटर साइंस से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो क्लर्क और इसका दोनों का देखिएगा तो सिलेबस सेम ही रखा गया है मेंस के लिए, बट स्टेनोग्राफर और प्यून का जो है कि सिलेबस में परिवर्तन है मेंस में, बाकी बात पीटी सब एक ही है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया, तो ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपसे संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और जाइए आपसे कोर्स में शामिल हो जाइए। अभी मिनिमम फी में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है धमाका ऑफर के साथ में, बिल्कुल अभी मिनिमम फी रखा गया आप सभी के लिए। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम। अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी जय हिंद।